नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल माइंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन सिंह और आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में जिन घरों में लोहे के टिन शेड की जो छत होती है वो गर्मियों के दिनों में काफी तपन महसूस करवाती है, तो उससे बचने के लिए हमने एक साधारण सा अच्छा सा तरीका देखा है जिसमें ये जो सीट आपको नजर आ रही है ये 1 इंच की थर्मोकोल सीट है जो मार्केट में आसानी से 30 रुपए प्राइस में मिलती है और ये एक रेसिकोन सिलिकॉन की ट्यूब है जिसके साथ में हम इसको लगाएंगे और इसके साथ चिपका देंगे, तो इससे जो टेम्परेचर का जो फर्क होता है वो काफी हद तक डाउन हो जाता है। फिर हम इसके नीचे चाहें तो हम पीओपी की फॉल सीलिंग करवा सकते हैं जिस वजह से और भी हम टेम्परेचर जो है इसका कम कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता और आसान तरीका है गर्मी से बचने के लिए, टिन शेड में रहने वाले लोगों के लिए काफी हद तक ये लाभकारी है। आप इसे पूरा देखें और कैसे हम कर रहे हैं प्लीज इस वीडियो के साथ आप बने रहें। सिलिकॉन ट्यूब को लगाने के लिए सबसे पहले हम सिलिकॉन ट्यूब का आगे का कैप हम इस तरीके से काटेंगे। काटने के बाद इसकी एक निप्पल आती है जिसके साथ में हम इसको अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद इसका एक गन आता है जो मार्केट के अंदर 120 रुपए की इसकी प्राइस मिलती है। इसको लगाने के बाद अब हम इसको थर्मोकोल शीट के ऊपर लगाएंगे। उससे पहले हम इसका नाप लेते हैं। हर घर में अलग अलग सीलिंग होती है, उस अकॉर्डिंग नाप लेना है अपने को। ये यहाँ पे हमने नाप ले लिया, इसकी लंबाई है 32 इंच। ठीक इसी तरीके से हम इस सीट का नाप लेंगे 32 इंच। यहाँ पे हमने नाप ले लिया, बॉटम की हेल्प से इसको काटना है और इसके ऊपर सीधा सिलिकॉन अपने को ऐसे सांप की तरह से इधर उधर ऐसे लगाना है 3 जगह पे। जैसे सिलिकॉन लगाते हैं इसको उठा के जल्दी से जल्दी उसके साथ चिपका देना है वरना सिलिकॉन जो है हार्ड हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है इसको लगाने का और आप इसकी तपन महसूस कर पाएंगे जब आप अपने घरों में या फिर अपने टिन शेड के जो भी आपके कमरे हैं उनमें यूज करेंगे तो आपको इसका अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप पूरी प्रोसेस आप देखेंगे हम इसको कैसे कवर करते हैं। अब ये जो देख रहे हैं आप, हमने जो सीलिंग में थर्मोकोल सीट लगाई थी वो सीट यहाँ पे लग चुकी है और इससे हमें एक बेनिफिट ये होगा कि अगर हम गर्मियों के टाइम में इस कमरे में अगर एसी भी लगाना चाहें तो भी एसी उसी तरह से काम करेगा जैसे कंक्रीट की छत के नीचे काम करता है। ठीक उन घरों के लिए ज्यादा उपयोगी है जिनके यहाँ पे टिन शेड यूज किया जाता है। गर्मियों के दिनों में इसका टेम्परेचर जो बढ़ जाता है लेकिन थर्मोकोल एक ऐसा इंसुलेशन आता है जो ठंडक को अपने हिसाब से एक जगह रखता है, उसके साथ में गर्मी को अटैच नहीं होने देता। ठीक उसी प्रकार सूरज की किरणें जब टिन शेड पे गिरती हैं, जो गर्मी टिन शेड से होके अपने रूम में बनती है उस गर्मी को ये अब्सॉर्ब कर लेता है और उसको वहीं का वहीं उसको रख लेता है। अब इसके नीचे हम फॉल सीलिंग जो है पीओपी की जिप्सम सीट के साथ में कर देंगे तो उससे ज्यादा बेटर हमें रिजल्ट मिलेगा। और आने वाले टाइम में जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।